गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम डॉक्टर स्वाति सक्सेना, योर फिजियोथेरेपी फैकल्टी एट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वी आर स्टडिंग अबाउट द मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, तो इन दिस सीरीज़ वी हैव कम्प्लीटेड द मसल्स ऑफ हिप जॉइंट एंड मसल्स ऑफ ग्लूटियल लीजन। तो टुडे वी विल मूव टूवर्ड्स द मसल्स ऑफ थाई। तो हमारे थाई में अगर हम बात करें थाई की, तो उसमें चार कंपार्टमेंट्स होते हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट एंड लेटरल कंपार्टमेंट। तो आज हम देखते हैं आगे कि हमें कौन से कंपार्टमेंट के बारे में आज पढ़ना है। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट मसल्स ऑफ द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, दैट इज़ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। एंटीरियर मतलब आगे। तो जब कोई पर्सन सुपाइन लेटा हुआ है या एनाटॉमिकल पोजिशन में खड़ा हुआ है, तो आगे से जो पोर्शन उसकी थाई का दिखाई देगा, दैट पोर्शन इज कंप्राइज ऑफ विच मसल्स, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो योर फर्स्ट मसल इज टेंसर फेशिया लाटा। तो टेंसर फेशियल लाटा जो मसल है, इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द आउटर सर्फेस ऑफ एंटीरियर इलियक क्रेस्ट बिटवीन ट्यूबर्कल ऑफ द इलियक क्रेस्ट एंड द एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन। मतलब एंटीरियर आइलिक क्रेस्ट के आउटर सर्फेस से, ट्यूबर्कल ऑफ द इलियक क्रेस्ट और एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, जिसको आप SS बोलते हो, उसके बीच में से इसका ओरिजिन होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो। देन कम्स द इंसर्शन। तो इंसर्शन इज फ्रॉम द इलियोटिबियल ट्रैक, दैट इज एंटीरियर सर्फेस ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया। इलियोटिबियल ट्रैक से इसका इंसर्शन होता है। अगर इसके एक्शन की बात करी जाए, तो इट इज़ फ्रॉम द इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ नी एक्सटेंशन। ये नी के एक्सटेंशन में हेल्प करता है और ग्लूटियस मैक्सिमस को हेल्प करता है हिप के एबडक्शन करने के लिए। तो इसकी अगर नर्व की बात करी जाए, तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इज़ द नर्व विच सप्लाइज टेंसर फेशिया लाटा मसल। नेक्स्ट हमारी आती है क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल। अब क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल जो है, वो 4 इंडिविजुअल मसल्स हैं। इसमें 4 इंडिविजुअल मसल्स होती हैं, जैसे कि 3 वास्टस मसल्स और 1 रेक्टस फेमोरिस मसल्स। क्वाड्रीसेप्स का मतलब है, क्वाड्री मतलब 4 और सेप्स का मतलब है मसल्स। तो 4 मसल्स को मिला के एक मसल बनती है, दैट इज क्वाड्रिसेप फेमोरिस। इसमें 4 अलग अलग 4 इंडिविजुअल मसल्स होती हैं, जो कि 3 वास्टस हैं और 1 रेक्टस फेमोरिस है। तो पहली क्वाड्रिसेप के अंदर जो पहली हमारी मसल होती है, वो होती है वास्टस लेटरालिस, दूसरी होती है वास्टस मीडियालिस, तीसरी होती है वास्टस इंटरमीडियस और चौथी होती है रेक्टस फेमोरिस। तो वास्टस लेटरालिस का ओरिजिन होता है फ्रॉम द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड द लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्परा। ग्रेटर ट्रोकेंटर से और लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्परा से होता है। फिर दूसरी है वास्टस मीडियालिस, इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन एंड मीडियल लिप ऑफ द लीनिया एस्परा। मतलब इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन से और मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्परा से इसका ओरिजिन होता है। फिर तीसरी मसल है वास्टस इंटरमीडियस, इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस ऑफ द फिमोरल शेफ्ट। मतलब ये फिमोरल शेफ्ट के जो फिमोरल शेफ्ट है, उसका एंटीरियर और लेटरल सरफेस से इसका ओरिजिन होता है। लास्ट हमारी आती है रेक्टस फेमोरिस। क्वाड्रिसेप फेमोरिस की हमारी लास्ट मसल है रेक्टस फेमोरिस। तो इसका ओरिजिन होता है, जो इसके 2 ओरिजिन होते हैं, इसके 2 हेड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट हेड और एक होता है रिफ्लेक्टेड हेड। तो जो स्ट्रेट हेड है, इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम एंटीरियर इन्फीरियर आइलिक स्पाइन, यानी कि AIIS, SS नहीं है, AIIS है, एंटीरियर इन्फीरियर आइलिक स्पाइन। और जो इसका रिफ्लेक्टेड हेड है, उसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द इलियम अबव द एसिटाबुलम। अब अगर हम इन चारों मसल्स के इंसर्शन की बात करें, तो ये चारों मसल्स एक ही जगह पे इंसर्ट होती हैं। द मसल्स यूनाइट प्रॉक्सिमल टू द नी, मतलब नी के पास में जाके ये इंसर्ट होती हैं, एंड डिस्टली अटैच टू द पटेला वाई द पटेला टंडन। ये पटेला से अटैच करती हैं जाके पटेलर टेंडन के थ्रू। अगर एक्शन की बात करी जाए, तो ये चारों मसल या एक कंप्राइज हम बात अगर बोलें, तो क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल का एक्शन होता है, जो वास्टस मसल्स होती हैं वो एक्सटेंशन ऑफ नी कराती हैं और पटेला को स्टेबलाइज करके रखती हैं। लेकिन जो रेक्टस फेमोरिस मसल है, ये फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट कराती है और एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट कराती है। इसका मतलब है कि जो वास्टस मसल है, उनका भी 2 एक्शन है। वो आपके नी का एक्सटेंशन भी कराएंगी और पटेला को भी स्टेबलाइज रखेंगी, पटेला को पकड़ के रखेंगी कि वो इधर उधर भागे ना। और जो रेक्टस फेमोरिस मसल है, उसका भी 2 एक्शन है कि वो एक तो फ्लेक्शन करती है हिप जॉइंट का और दूसरा नी का एक्सटेंशन करती है।
तो अभी तक हमने दो मसल्स पढ़ी एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई की, पहली थी टेंसर फेशियल लाटा, दूसरी है क्वाड्रिसेप फेमोरिस। क्वाड्रिसेप फेमोरिस में आपकी चार मसल्स होती हैं, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस और रेक्टस फेमोरिस। अगर हम इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो क्वाड्रिसेप फेमोरिस यानी कि इसमें जितनी भी चार मसल आती हैं सबकी एक ही नर्व सप्लाई है, दैट इज फेमोरल नर्व। लास्ट मसल हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की है सार्टोरियस मसल। सार्टोरियस मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन, दैट इज एसिस। एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन में आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि ये है आपका एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन, ये वाला पार्ट, और यहीं से आपकी मसल का ओरिजिन हो रहा है। फिर अगर इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन होता है इसका द सुपीरियर मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया, इस टीबिया के सुपीरियर और मीडियल सरफेस पे इसका इंसर्शन होता है। फिर अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो इट फ्लेक्सेस एब्डक्ट्स एंड लेटरली रोटेट्स हिप जॉइंट एंड फ्लेक्सेस द नी जॉइंट, मतलब ये फ्लेक्स करती है, एब्डक्शन करती है और लेटरल रोटेशन करती है हिप जॉइंट का, और साथ ही साथ नी जॉइंट का फ्लेक्शन भी करती है। अगर इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो अगेन सार्टोरियस मसल इज सप्लाइड बाय फेमोरल नर्व। तो इसी के साथ हमारा मसल्स ऑफ एंटीरियर एस्पेक्ट या एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई ख़त्म हो जाता है। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। वैसे इस बुक में जो मैंने इसमें डायग्राम्स डाले हैं, जिस बुक से डाले हैं, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ें पिक्चराइज की गई हैं, बट अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।